हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। फाइनली एनटीए की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, जो आपका अपकमिंग सेशन है 2023 वाले, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 2023 में, उन सभी मेजर एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है एनटीए ने। तो आप एक बार चलिए चलिए फटाफट से चेक कर लेते हैं इस नोटिस को, देख लेते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो कब होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट मिलते रहते हैं गाइस। अगर आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नोटिस वाले सेक्शन में रिलीज ऑफ एनटीए एग्जामिनेशन कैलेंडर फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24। तो यहीं पर जब आप सामने क्लिक करेंगे रीड मोर पे, तो एक नोटिस खुल करके आएगा, और इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है इन चीज़ों को समझ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भाई एनटीए जो है, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको स्टैब्लिश किया है और इंडिपेंडेंट बॉडी है एग्जाम कंडक्ट कराने की, और तरीके से एग्जाम हो, ट्रांसपेरेंट फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सके, इसलिए इसको स्टैब्लिश किया गया है। तो ये इसके स्टैब्लिश के बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो डेट लिखी हुई है कुछ मेजर एग्जाम की, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेजर एग्जाम होने वाले हैं अपकमिंग सेशन में, उनकी डेट यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन इस बॉक्स में यूजीसी नेट के एग्जाम की कहीं भी डेट मेंशन नहीं है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि यूजीसी नेट से रिलेटेड एनटीए ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है कि एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जा रहा है। अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया होता तो इसमें डेट आ गई होती। इसका मतलब है कि अभी तक इन्होंने किसी भी तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई है, ना ही कोई अभी तक डिसीजन लिया गया है। तो एग्जाम अब कब कंडक्ट होगा, आइए डेट इन सभी डेट्स को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फरवरी जनवरी का की जितनी भी डेट है, 24-25 जितनी भी डेट यहाँ पे मेंशन है, ये जेई का एग्जाम होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, ये एनटीए एग्जाम कंडक्ट करता है, ये रिजर्व है जनवरी का मंथ इनके लिए। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अप्रैल के जो डेट्स हैं वो भी यहाँ पर रिजर्व हैं इन दो एग्जाम के लिए, दैट इज जेई और आईसीएआर एग्जाम एग्जाम होता है, इन दो एग्जाम के लिए यहाँ पर डेट रिजर्व कर रखी है उन्होंने। इसके बाद नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज नीट जो होता है अंडर ग्रेजुएट, दैट इज आपका जो मेडिकल एग्जाम, आई मीन जो मेडिकल फील्ड है उसमें एडमिशन के लिए जो होता है एग्जाम, तो ये 7 मई को होना है। और सीयूईटी जो कि ग्रेजुएशन के एंट्रेंस के लिए होता है, मैंने आपको बताया था कि सीयूईटी बहुत बड़े लेवल पे एग्जाम कंडक्ट होता है, तो 21 से 31 मई और 1 से 7 जून की जो डेट है यहाँ पर इन्होंने रिजर्व कर रखी है। अब गाइज आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि यहाँ पर कहीं भी मार्च का मंथ जो है वो मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या ऐसी पॉसिबिलिटी कि मार्च के मंथ में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है? तो इसके बहुत कम चांस हैं। अगर ऐसा होता कि ये मार्च में एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले होते तो ये ऑलरेडी इस नोटिस में दे दिया होता इन्होंने कि भाई हम मार्च में यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो इसका मतलब इन्होंने अभी तक कुछ भी प्लान नहीं किया है, और क्योंकि अभी तक कुछ प्लान नहीं किया गया है, इस वजह से मार्च में एग्जाम कंडक्ट करवा पाना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज फॉर्म फिलिंग में ही 1 महीना लग जाता है ना, और पहले से डेट रिजर्व करनी पड़ती है। तो आई डोंट थिंक कि मार्च में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद अप्रैल का मंथ बिजी है इनका, और मई के मंथ में टाइम मिलेगा इनको, मई के स्टार्टिंग में टाइम मिलेगा, मतलब 1 मई से लेकर के आप लगा लो 6 मई वाली डेट खाली है, और उसके बाद फिर 8 मई से लेकर के इनकी डेट खाली है 20 मई तक। तो या तो ये वाली डेट हो सकती है आपकी यूजीसी नेट की मई वाली, या फिर 1 से 7 जून तो बिजी है इनका सीयूईटी के साथ, देन 7 जून के बाद जो है यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो या तो मई के मंथ में होगा या तो जून के मंथ में होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो मई या फिर जून के मंथ में होगा, इससे पहले एग्जाम कंडक्ट करवा पाना बहुत मुश्किल होगा। तो 99% चांस है गाइस कि ऐसा ही होगा, आपका या जो आपका जो एग्जाम है तो मई के मंथ में होगा या फिर जून के मंथ में होगा, ये दो मोस्ट प्रोबेबल डेट है जो कि मैंने आपको बताई है। बट यहाँ पर क्योंकि मार्च के मंथ अभी इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो देर इज ए 1% चांस, बहुत ही लेस चांस है, बहुत ही लेस प्रोबेबिलिटी है कि मार्च मार्च में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है, दिसंबर ऑलरेडी आधा हो चुका है, और फॉर्म फिलिंग में 1 महीना लग जाता है, और बाकी चीज़ें जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं फॉर्म फिलिंग के बाद भी, इनको फॉर्म चेक करने होते हैं, स्क्रूटनी वगैरह का प्रोसेस होता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से मार्च में आई डोंट थिंक एग्जाम कंडक्ट होगा। तो अभी तक फिलहाल यही अपडेट है कि जो एग्जाम हो मई या जून के मंथ में होगा, तो आपके पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 5 महीने से 6 महीने के आसपास आप मान के चलो कितना टाइम अभी आपके पास है। अगर आप अभी से पढ़ने बैठो तो इसी अटेम्प्ट में, जो अपकमिंग सेशन है इसी अटेम्प्ट में आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अभी से पढ़ना होगा, ये मत सोचना कि जब फॉर्म निकलेंगे तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तभी एग्जाम आपका क्रैक नहीं हो पाता, बिकॉज आप एंड मोमेंट पर सारी चीज़ें करते हो और सिलेबस काफ़ी लेंथी होता है, और इस वजह से आपका जो एग्जाम है वो क्रैक नहीं हो पाता। तो आपको 4 से 5 महीने डेडिकेटेड तरीके से आपको देने ही पड़ेंगे, तब जाकर के आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर जाओगे। सो गाइस हम आपको यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं यूजीसी नेट की, इन ऑर्डर टू हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। और गाइस यहाँ पे हम आपको टारगेट बेस्ड स्टडी ही करवा रहे हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस भी हमने स्टार्ट कर दिया है, आप इसकी भी स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ प्रिपरेशन। तो गाइस यहां पर हमने जो प्रिपरेशन करवाई है कंप्लीटली बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है,
सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज ये जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, दैट इज कि जो जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है। सो एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है जिसको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकते हो। इनफैक्ट आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। और गाइज अभी ऑफर चल रहा था ये, और अभी ऑफर एक्सपायर हो गया है, तो इस ऑफर को, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट मुझे आज दिन में काफी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, तो मैं इस ऑफर को एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये ऑफर जो है 17 दिसंबर तक अभी अवेलेबल करवाया जाएगा आपको। 17 दिसंबर तक आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। पहले 15 दिसंबर लास्ट डेट थी, अब मैंने 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया आज और कल के लिए। तो आप इसी विंटर कूपन कोड को अप्लाई करके जो आपकी फीस है वो पेपर 1 2999, कॉमर्स 2999, मैनेजमेंट भी 2999 एंड पॉल साइंस भी 2999, अब इन सभी कोर्सेज को आप इस फीस में अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट 2 डेज के लिए मैंने इस विंडो को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया है, और ये जो फीस है आपकी ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी जैसे आप विंटर कूपन कोड अप्लाई करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अब इस क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ से ज्वाइन करना है, सो गाइज आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। यहीं पे चीजें आपको सारी की सारी मिल जाएंगी, और इस ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आईओएस अगर यूजर हो तो इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।